बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अंतुल्स किचन। आज मैं बताने जा रही हूँ हैदराबादी बघारी बैगन। ये हैदराबाद की बहुत मशहूर डिश है, आप एक बार बनाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे इंशाल्लाह। इसके लिए मैं बैगन ली आधा किलो, इसको इस तरह से कट कर ली। आधा चम्मच नमक डालकर पानी में ये काट करके रख ली थी पहले से। नमक के पानी में इसको इसलिए रखना है कि ये बैगन अगर नमक के पानी में हम नहीं रखेंगे तो काले हो जाते हैं। देखिए, इससे हटकर हमको ये चीजों की जरूरत है। 150 ml ऑयल, 40 ग्राम इमली है, मैं इसको अच्छे से वॉश करके भिगो के रख ली। खोपरा है 50 ग्राम, तिल 60 ग्राम, 2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, फल्ली 25 ग्राम, करी पत्ता हाफ बंच, एक दो हरी मिर्च है। पाउडर्ड मसालों में 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी है। ये बेलीव है, ये 3 लीव है, छोटे छोटे हैं, अगर आप बड़े हैं तो 2 ही लीजिए। और ये फूल है, थोड़ा सा ले लीजिए। 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून राई और 1.5 टीस्पून जीरा है। एक मीडियम साइज की प्याज लेकर उसको बारीक कट करके फ्राई कर ली मैं, 1 टीस्पून ऑयल डालकर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक पॉट रख दी मैं, इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, ऑयल गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम ये तमाम चीजें इसमें डाल देंगे। ये जो मैं आपको दिखाई थी, जीरा, राई, पीली मेथी, कलौंजी और ये फूल और पत्ता, ये सब डाल देंगे इसके अंदर। देखिए, ऑयल गर्म हो गया, ये जो मसाले रखे थे हम, खड़े मसाले सारे डाल मिक्स करेंगे, एकदम सिम कर देंगे चूल्हा। सिम करके थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे और बैगन डालकर बंद कर देंगे। ये ढक्कन लगा के थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे ताकि बैगन सॉफ्ट हो जाए। इसको सॉफ्ट होने तक तल लेंगे, थोड़ा बीच बीच में हमको खोलकर चेक करना है। जब तक बैगन तले जा रहे हैं, उसको सिम पे रख दी। ये मसाले जो है उसको पूरों को एक जगह कर लेंगे, करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमको इसलिए बनाना है, अगर हम पेस्ट नहीं बनाएंगे तो मसाले चल जाएंगे। ये पूरे पाउडर मसाले और जो प्याज तले थे वो प्याज भी डाल देंगे इसमें, तिल, खोपरा, फली, अदरक लहसुन पेस्ट जो है वो भी डाल देंगे इसमें। इसको मिक्स कर लेंगे, पानी डाल, तो इसको पेस्ट बना लेना, इससे मसाले नहीं जलते। चलिए इसको खोल के चेक करेंगे कि बैगन हुए या नहीं। इसको बीच बीच में मैं थोड़ा चेक कर रही थी क्योंकि हम सिम पे पका रहे थे। अगर सिम पे हम नहीं पकाएंगे तो ये जीरा, राई वगैरह जो हम डाले वो सारे जल जाते हैं। तो देखिए, अभी थोड़े सॉफ्ट हो गए, अभी थोड़ा सा एक दो मिनट करके हम इसको निकाल लेंगे। अब फ्लेम को हाई करके थोड़ा सा भुनेंगे, इसको निकाल लेंगे। देखिए, बैगन सॉफ्ट हो गए, अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए, चूल्हा सिम पे है, फ्लेम सिम पे रख ली मैं। अब ये जो मसाले हम मिक्स करके रखे थे पेस्ट बना के, ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे, यही ऑयल में, कुछ डाले बिना इसमें। इसको अच्छे से मसाले की वो जाने तक भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के जो मसाला लगा हुआ है ये सारा मसाला निकाल के ये पानी भी इसके अंदर तक ऐड कर देंगे ताकि मसाले फिर से जले ना। अगर हम थोड़ा सा पानी ऐड नहीं करें तो ये मसाले जलना शुरू हो जाते हैं और इसकी कच्ची भून नहीं जाती, तो हमको इस तरह से थोड़ा सा और भून लेना है। चलिए, मैं भून के बताती हूँ। देखिए, मैं इसको अच्छे से भून ली मसाले को, आप दिख रहा होगा इसके अंदर ऑयल पूरा सेपरेट हो गया और इसकी कच्ची वो जो आ रही थी मसालों की वो भी चली गई। अब हम इसमें खट्टा डाल देंगे, जो इमली दिखाई थी मैं उसको खट्टा निकाल के रख ली थी उसका। अब देखिए, मैं 40 ग्राम खट्टा निकाल के डाली थी इमली का। अगर आप कम खाते तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, हैदराबाद में थोड़ा खट्टा ज्यादा खाते हैं, लेकिन आप अगर इतना भी डालेंगे तो ये ज्यादा नहीं होगा। मिर्ची जो है ठीक दिखी मेरे को, एक मिर्ची थी, मैं दो मिर्चियां थी, मैं एक मिर्ची डाल रही हूँ। आप इसको भी स्किप भी कर सकते हैं या चाहे तो आप एक डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे हम खट्टे को। अब देखिए, थोड़ा गाढ़ा दिख रहा, मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी इसमें। गाढ़ा रहा तो आप पानी ऐड मत कीजिए। थोड़ा सा पकने के बाद अब इसके अंदर हम बैगन डालेंगे। अब थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे, थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे इसको। देखिए, थोड़ा सा खट्टा पक गया, अब ये हम बैगन जो तल के रखे थे ये डाल देंगे। इसके अंदर जो ऑयल था वो सारी चीजें सब जो भी है इसमें डाल देंगे और इसको ढक के सिम पे पकाएंगे। एक 10 मिनट्स ऐसे ही पकाएंगे, बीच में एक आध बार आप चेक करके देखना
कि ये नीचे लग रहा तो नहीं है, क्योंकि मसाले है नीचे लग सकता है दाग उसका। इसको हम सिम पे पकाएंगे। देखिए एक बार चेक करके देखेंगे, बीच में मैं एक बार चेक करी थी, बहुत ज्यादा पतला था। अब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हुई, इसको और थोड़ा गाढ़ा होना है ताकि ये बैगन भी गल जाए। अभी बैगन भी बराबर से नहीं गले, देखिए थोड़ी सी गलना बाकी है। इसको हम ढक के और 5 से 7 मिनट पका लेंगे। देखिए ये रेडी हो गया, इसकी कंसिस्टेंसी हमको इतनी चाहिए। ये ठंडा होकर थोड़ा और गाढ़ा हो जाता और ये जो बैगन थे वो भी देखिए सॉफ्ट हो गया। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए बघारे बैगन रेडी हो गए, एक बार बनाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। इंशाल्लाह इसको आप बिरयानी के साथ, तरकारी पुलाव के साथ और प्लेन राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।